रूस के तमाम शहरों में एयर डिफेंस की मुस्तैदी है। मॉस्को की सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बनाई गई है, लेकिन इस सब के बावजूद रूस के लोगों के दिल से यूक्रेन के ड्रोन्स की दहशत खत्म नहीं हो रही है। यूक्रेन ने एक बार फिर मॉस्को पर हमला करने की कोशिश की, कई और शहरों पर भी हमले की कोशिश हुई है, लेकिन रूस के एयर डिफेंस ने ज़ेलेंस्की के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। हर मिनट बारूदी धमाका, हर नए दिन बीते हुए दिन जैसा। अगस्त के 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रूस के प्रहार की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं है। यूक्रेन में रह रहकर पुतिन के क्रोध का असर नजर आता है। यूक्रेन की सेना जहां भी मजबूत नजर आती है, रूस वहीं अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। यूक्रेन की जमीन पर हो रहे एक एक धमाके का बदला लेना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, लेकिन यूक्रेन में मौजूद रशियन सैनिकों से नहीं, बल्कि मॉस्को का सुकून छीनकर। ज़ेलेंस्की का दूसरा टारगेट है क्रीमिया, ताकि हर धमाके की गूंज से क्रेमलिन भी हिल जाए। यूक्रेन ने फिर से मॉस्को और क्रीमिया पर हमले की कोशिश की है, लेकिन रूस का दावा है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार की रात यूक्रेन का एक आत्मघाती ड्रोन मॉस्को के आसमान में नजर आया। रूस का दावा है कि एयर डिफेंस ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन का हमला भले ही कामयाब नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ देर के लिए ही सही, मॉस्को में दहशत जरूर मच गई। मॉस्को के दो एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया, लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों रोक दिए गए, विमानों को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा। दो एयरपोर्ट के बंद होने का मतलब है कि कम से कम 50 से अधिक विमानों में एक्स्ट्रा फ्यूल का खर्च। मॉस्को में ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया, लेकिन एक बहुत बड़े गोदाम में आग कैसे लगी, ये जरूर रहस्य है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद तक लेनी पड़ी। तस्वीरें कुर्स की हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन की इमारत में आग नजर आ रही है। दावा है कि हवा में यूक्रेन के ड्रोन को नष्ट किया गया था और ड्रोन का मलबा रेलवे स्टेशन की छत पर गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन गिरने की वजह से 5 लोग जख्मी हो गए। रूस का दावा है कि यूक्रेन का एक कामिकाजी ड्रोन रोस्तोव में बिगड़ाया गया। इन खबरों से साबित हो रहा है कि यूक्रेन लगातार रूस के कई शहरों को टारगेट कर रहा है। मॉस्को ही नहीं, यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन बेलगोरोद, रोस्तोव और क्रीमिया में भी भेजे गए थे। यूक्रेन के इन हमलों को नाकाम जरूर कर दिया गया, लेकिन रूस की चिंता जरूर बढ़ चुकी है, क्योंकि अब जरा सी लापरवाही, जी हां जरा सी लापरवाही रूस के लिए भारी पड़ सकती है।
यूक्रेन का एक और ड्रोन अटैक देखिए। ये निप्रो शहर की इमारत है। इस इलाके पर रूसी सेना का कब्जा है। इमारत की ऊपरी मंजिल पर रूसी सैनिकों ने सर्विलांस कैमरा लगाया था। यूक्रेन के ड्रोन कैमरे में सर्विलांस सिस्टम कैप्चर हुआ और उसके बाद यूक्रेन के एक ड्रोन ने इस कैमरे को ही नष्ट कर दिया। ये ब्रैडली के अंदर की तस्वीरें हैं। देखिए इसमें मौजूद क्रू कितनी दूर तक देख सकते हैं और एक छोटे से हैंडल से जबरदस्त फायरिंग कर सकते हैं। डोनेस्क में यूक्रेन ने एक बार फिर बड़ा हमला किया। इस बार यूक्रेन ने JDM बम का इस्तेमाल किया। टारगेट पर एक इमारत थी। दावा है कि इस इमारत का इस्तेमाल रूस की आर्मी कर रही थी। यूक्रेन के JDM से इमारत में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद इमारत का एक बड़ा हिस्सा भी गिर गया। वीडियो में रूस के सैनिक जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन क्रीमिया और मॉस्को को टारगेट कर रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन क्रीमिया पर बार बार हमले करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को अपने शहरों को बचाने और रूसी सेना पर पलटवार करने को प्राथमिकता देने की नसीहत दी। ज़ापोरिज़्या में रूस के हमले में कई लेपर्ड टैंक नष्ट हो गए। अब इस इलाके में जर्मनी के मॉर्डर को भेजा गया है। नेटो देशों से भेजे गए MLRS वैम्पायर और B-21 ग्रैड से डोनेस्क में यूक्रेन की आर्मी जबरदस्त आग बरसा रही है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी जरूर है, लेकिन अभी भी कई अमेरिकी बंदर वक्त गाड़ियां और बैटली मौजूद है, जिससे यूक्रेन के सैनिक मुकाबले में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।